लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के लचर प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम समाज के लोग पार्टी को समझ नहीं पाए। ऐसे में पार्टी बहुत सोच समझ कर ही आगे के कदम उठाएगी। एक प्रेस नोट में मायावती ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की खास अंग मुस्लिम समाज पिछले कई चुनावों में और इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे उनको काफी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। इसी प्रेस नोट में मायावती ने कई और बातें भी कही। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफी लंबा खिंचा, इसे 3 या 4 चरण में पूरा हो जाना चाहिए था। बसपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव के लंबा खिंचने की वजह से लोगों के उत्साह में कमी आई और इसे वोट प्रतिशत भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही खासकर से रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाले जरूर होंगे। मायावती ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी जैसा भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है और उन्हें ही देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना होगा और फैसला करना है कि ये जो रिजल्ट आया है उसका आगे उन सबके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और उनका भविष्य कितना शांत, समृद्ध और सुरक्षित रह पाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी अपने प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करेगी और जो भी जरूरी होगा उस संबंध में ठोस कदम भी उठाएगी। मायावती ने कहा कि इस बार पार्टी ने अकेले ही पूरा दम लगाया। उन्होंने दावा किया है कि दलित समाज के लोगों और खास तौर से उनकी अपनी जाति से आने वाले लोगों ने बीएसपी को वोट देकर अपनी मिशनरी भूमिका निभाई है। अब बात लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की करें तो बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही। पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल करी, वहीं कांग्रेस को 99 सीट पर ही जीत मिली। बीएसपी को इस चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल पाई। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए खबर को लिखा है हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।